यूपीआई ऑटो पे से हो रहे हैं स्कैम, ऐप में जाकर आज ही बदल दे ये सेटिंग्स, वरना होगा मोटा नुकसान। ओपी करते समय आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। एक गलती की वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलतियों को आपको तुरंत सुधार लेना चाहिए। कैसे होता स्कैम? आजकल स्कैमर्स क्या कर रहे हैं कि वह एक लिंक भेजते हैं और पेमेंट करने के लिए कहते हैं। ऐसे में कई बार यूजर्स पेमेंट कर भी देते हैं, लेकिन वह कोई पेमेंट वन टाइम नहीं होती है, बल्कि वह ऑटो पे ऑन कर देते हैं। ऑटो पे ऑन करने का सीधा मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट से अगली बार खुद ही पेमेंट कट जाएगी, यानी इसके लिए उन्हें दोबारा यूपीआई पिन लेने की भी जरूरत नहीं होगी और वह सीधा पेमेंट अकाउंट से काट भी लेंगे। कैसे रहें सुरक्षित? आप पेमेंट करने के लिए जिस भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऑटो पे मेन्यू में जाकर बार बार चेक करते रहना चाहिए। ऐसा करने से काफी फायदा होने वाला है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कम से कम ये पता चलता रहेगा कि किस किस जगह पर आपने ऑटो पे सिस्टम को ऑन किया हुआ है। यही वजह है कि आपको तुरंत इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर कोई ऐसा ऑटो पे सिस्टम आपको नजर आ जाता है जो आपने नहीं किया हो, उसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यूपीआई ऑटो पे कैसे करें रिमूव? ऑटो पे को रिमूव करने के लिए आपको यूपीआई पिन पता होना चाहिए। ऑटो पे मेन्यू में ही लिस्ट के साथ आपको डिलीट करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप ऑटो पे डिलीट कर देंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। ऐसे में ये आपके लिए आसान प्रोसेस साबित हो सकता है। इसके अलावा आसानी से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। सो अलर्ट, स्टे सेफ एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू नो मोर अबाउट टेक।